रॉकी भैया की केजीएफ मूवी पूरी दुनिया में अपना डंका बजा चुकी है। लेकिन क्या होता अगर केजीएफ मूवी में रॉकी भैया ना होते तो। मूवी के डायरेक्टर यानी प्रशांत नील ने रॉकी भैया के कैरेक्टर में ऋतिक रोशन को चुना था। जी सही सुना आपने। लेकिन ऋतिक रोशन ने केजीएफ मूवी करने को साफ इनकार कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ, हम आपके लिए कुछ नया लाते हैं, इसीलिए आप अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बॉलीवुड के एक्टर साउथ इंडस्ट्री को बहुत ही छोटी इंडस्ट्री समझते थे, अपने आप को बड़ा मानते थे, इसीलिए रोशन ने केजीएफ मूवी करने को साफ इनकार कर दिया। बड़े लोग जो ठहरे भाई। लेकिन केजीएफ मूवी में रॉकी भैया ने जो भोकाल मचा के रखा है वो कोई नहीं कर सकता। बाकी आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए।